समझा है आपसे, जो बात समझने की है। यही बात हुई थी कि समझाने वाले तो बहुत हैं, समझने वाले हम लोग कम हैं। जो हमें सबको मुझ समय समझ लेना चाहिए वो ये समझ लेना चाहिए जो मुखालिफीन है, या यूँ समझिए कि जो हमें निशानी अपने जब पर ले रहे हैं, अपने निशानों की जब पर ले रहे हैं, उनको इससे गरज नहीं कि आपका आपस में क्या इख्तलाफ है, उनको इससे गरज नहीं कि आपके नजरियात क्या है, उसके नजरियात क्या है, उसके नजरियात क्या है। इसलिए वो मस्जिद में भी मारते हैं, उसे कोई परवाह नहीं। मस्जिद में भी मार रहे हैं, नमाजियों को भी मार रहे हैं, उसमें भी मार रहे हैं, मजलिस में भी मार रहे हैं, आलिम को भी मार रहे हैं, साकिर को भी मार रहे हैं, खतीब को भी मार रहे हैं, सबको मार रहे हैं, दानिशगर को भी, डॉक्टर को भी, इंजीनियर कोई फर्क रखा उसने? वो तो चंगेज खान की तरह है। बगदाद में जितने ही आपस में चौराहों पर मुनाजरे हो रहे हैं वो, मगर जब चंगेज आता है तो खोपड़ी को मीनार तामीर कर देता है सबके ऊपर। उसे इससे गरज नहीं कि तुम्हारा आपस में क्या इख्तलाफ है, उसकी नजर में तुम सब एक ही। तो देखिए जब ऐसी सूरत याद आए तो क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? मारका जब दरपेश आ जाए तो क्या करें उस मारके में? कुरान मजीद क्या फरमाता है? अहले बैत अलैहिम सलाम की सीरत क्या है? अंबिया अलैहिम सलाम की सीरत क्या है? इसी रिश्ते में बात करें। हमने अर्ज किया कि जो हमने मौजू मुंतखब किया, मुमकिन है कि सारी बातें जो हमने इन मौजू बनाकर लाए थे मजमू को सब पेश ना कर सके, लेकिन उसके दायरे में रहते हुए मौजूदा सूरत हाल पर आपसे बात करना बहुत जरूरी, ताकि मालूम हो जाए कि कभी कौमों की जिंदगी में ये मार के पेश आए तो क्या किया जाए। भाई कुरान ने क्या रास्ता बताया, अंबिया ने क्या रास्ता बताया, अइमा तहरीर ने क्या रास्ता बताया? सरेंडर कर दें, पीठ दिखा के भाग जाए, पुष्ट दिखा दें, हुकूमत खिलाफ, इदारे खिलाफ, हालात खिलाफ, मीडिया खिलाफ, दुनिया खिलाफ, सब खिलाफ, क्या किया जाए? बैठ जाए, सरेंडर कर दें, हाथ पैर छोड़ दें। कौन सा रास्ता है जो बताया कुरान मजीद, क्या किया जाए? इन सबसे पहले मैं एक आम आदमी का जुमला नकल करना चाहता हूं, जिसकी गुफ्तगु ना कुरान है, ना वो रसूल है, ना वो पैगंबर है, ना वो इमाम है। आप उनको जैसा चलता फिरता बोझ पोस का इंसान था, और ज्यादा पुराना भी नहीं, इसी सदी का आदमी, यानी जो सदी तो 13 साल हो गए नहीं सदी को, इसे पिछली सदी का आदमी, बहुत ज्यादा पुराना आदमी भी नहीं। वो क्या कहता है इस बारे में? हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं दावे करते हुए, मुख्तलिफ किस्म के दावों में हमारी जिंदगी खर्च हो जाती है। अब ये दावों की तशरीह नहीं करना चाहता, या आप उसे बेहतर तौर पर अपने अपने तौर पर सोच सकते हैं कि हम क्या क्या दावे करते हैं सारा साल अपनी महाफिल में, अपनी मजालिस में, जो भी हमारी कैफियत है वो आप उसे बेहतर जानते हैं। इन दावों का इम्तिहान जब होता है फिर पता चलता है। दावे कर देना, शोर शराबा कर देना, ये सब बड़ा आसान काम होता है। तो मैं जिस शख्स के यानी नकल करना चाह रहा हूं तुम लोग को, वो कोई बहुत पुराना आदमी नहीं। मैंने अर्ज किया कि उसकी गुफ्तगु आयात भी नहीं, वो ना नबी है, ना पैगंबर है, ना रसूल है, ना इमाम है, बल्कि इसी सदी का, इसी दौर का, जो गुजर गई सदी, इसी का एक आदमी है, शहीद डॉक्टर मुस्तफा चबरान। वो कहता है एक जगह पर कि इस तबले जंग में बड़ी खासियत है, शेखपुर जंग में, शेखपुर जंग को नकारे में कहते हैं, नकारे में चोट लगती है, जंग का आगाज होता है, तो इस तबले जंग में, इस शेखपुर जंग में, तबले अलग चीज है, शेखपुर अलग चीज, लेकिन दोनों एक ही मफहूम में इस्तेमाल होता है। शेखपुर जंग वो एक खास बाजे नकारा बजाया जाता है, तबले जंग जब चोट मारी जाती है नकारे, लेकिन मफहूम दोनों का एक है कि तबले जंग या शेखपुर जंग में एक बड़ी खासियत, जब शेखपुर जंग बचता है और तबले जंग पर चोट पड़ती है तो इसकी एक सबसे बड़ी खूबी है कि ये बुजदिल को बहादुर से अलग कर देती है। बहादुर और बुजदिल में तमीज पैदा कर देती है, सरहद कायम कर देती है। वो जो मैंने इम्तिहान बताया ना कि
मैं डरता हूं, मैं जंग नहीं कर सकता, मैं लड़ नहीं सकता। सच्चा आदमी था, झूठ नहीं बोला, वासु से धोखा नहीं गया इमाम को से, कहते बोला मैं लड़ नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं। और मैं जानता हूं कि आपको छोड़कर चला जाऊं तो बख्शिश भी नहीं हो, मैं क्या मासूम ने निशाने पर हाथ रखे चला जा। मेरे इस तलाशे की आवाज सुनने से पहले इतनी दूर चला जा कि तेरे कानों में मेरी आवाज सुनाई जा, मैंने तुझे उठा लिया, तुझे मैं उठा लिया, चला तू चला जा। सच तो बोला, कूफियों की तरह दगा तो नहीं की, कूफियों की तरह बेवफाई तो नहीं की ना उसने। एक मैंने कहा कैसी मिसाली है, और मैंने पहले कैद लगा दी कि मुस्तफा इसलिए नहीं कह सकता कि मेरे पास इसका कोई हवाला नहीं। मैंने अपने उस्ताद मतलब से तुमने सुनी थी, अब कितने साल पहले सुनी कि मुझे दिया, तो मैं कैसे कह दूं कि मुस्तनद। मगर मिसाल के लिए ये बेहतरीन वाकया है जो मैंने आपके सामने नकल किया। अब बात समझ में आ रही, अब आइए सिलसिले से लेकर चलते हैं। कुरान क्या कहता है ऐसे जमाने में क्या करो, खुद ब खुद रिश्ता कायम हो जाएगा। मैं मौजू ही रखता कुरान अहले बैत का रिश्ता क्या है, रिश्ता है कुरान अहले बैत, और फिर उसके बाद अहले बैत का अमल क्या रहा, अंबिया का अमल क्या रहा, इसी बात को लेकर आगे बढ़ते। मगर ये तो तय है ना कि जब शैपुर झग बजे, जब तबले झग बजे तो फिर पीठ नहीं दिखाता मुजाहिद, फिर मैदान में खड़ा रहता, जहां भी हो जवाब देता है ना। उसको मालूम है कि जो मैदान में मुझे खड़े रहना है ये तारीफ का इम्तिहान है जिससे मैं गुजर रहा हूं। इसी बात पर फख्र करे कि अल्लाह ने इस काबिल को पाया कि हमें इम्तिहान में डाला। उन कौमों को अल्लाह इम्तिहान भी नहीं लेता, उन कौमों से जिनको इम्तिहान के काबिल भी नहीं बनाता है ना। कितने अरब मालिक है ना, इम्तिहान में डाला नहीं डाला, क्योंकि इम्तिहान नहीं दे सकते, एक ही बार होगा उनका क्रिया कर्म जो होना है ना, उनके साथ जो होना है वो एक ही बार होना है। लेकिन कैसे ऐश इशरत से रहे, हमारे भी लोग कहते हैं वहां चले जाओ यहाँ चले जाओ, मतलब ठीक है अच्छी बात है, हिजरत को बना थोड़ी किया था ना अल्लाह के रसूल ने। जान बचाने के लिए भी हिजरत की जा सकती है, माल बचाने के लिए भी हिजरत की जा सकती है, तिजारत के लिए कारोबार के लिए भी हिजरत की जा सकती है। कोई पाबंदी याद रखिए शरण कोई पाबंदी नहीं है, ना अल्लाह ने लगाई ना रसूल ने कुरान का, तो हुक्म दिया बात को बात हो आगे कि अल्लाह की जमीन वसी थी, तुमने हिजरत क्यों नहीं की, तो हाल रुकी है तुमने अल्लाह की जमीन में है क्यों नहीं की, तुमने हिजरत ठीक है। ये गलत अलग बात है, कहां पर हिजरत मुस्तहब है, कहां मुबाह है और कहां वाजिब है, इसके भी अलग अलग मकाम है। लेकिन अभी हम बात करेंगे मैदान में डटने वालों, जो मैदान में डट जाते हैं। आइए पहले पुराने मजीद से मदद लेते हैं, कैसे हालात क्या किया जाए, इन हालात क्या कभी पहले पेश आए या नहीं, पहले
असली कौन नहीं हो, तुम ताजा लोग नहीं हो जिनको हमने इस इम्तिहान में डाला, बल्कि तुमसे कम वालों को भी तुमसे ज्यादा सख्त इम्तिहान में हमने डाला है। आइए मिसाल लीजिए कुरान मजीद से। कुरान मजीद ने जिक्र किया तालूत और जालूत के वाक़े और उसी में जरा में दाऊद का तज़किरा भी आया। सूरह बकरा की आयत 249 से शुरू, आगे चले जाइए बल्कि और से पीछे से शुरू करेंगे, फिलहाल और आसानी हो जाएगी बात को समझने में। सूरह बकरा में कि जिसमें ये हुआ कि बनी इसराइल को सदियां गुजर गई इम्तिहान देते देते, इम्तिहान से गुजरते गुजरते सदियां गुजर गई, आखिर सब जमा हुए, जमा हुए किसके पास, जनाबे शमूएल पैगंबर के पास। इश्माइल भी है, शमूएल भी नाम, कोई फर्क नहीं है, इब्रानी और अरबी में जरा अलग देर देर का फर्क हो जाता है। तो जनाबे शमूएल या जनाबे इश्माइल पैगंबर है, नबी है, जानते हैं कि अल्लाह का नबी है, जमा हुए सब बनी इसराइल और अल्लाह के नबी से कहा कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह अपनी बारगाह से एक सरदार भेज दे। बस पता चला कि नबी को वो मकाम तो देते थे मगर दुआ का मकाम देते थे बस, कि आप दुआ कीजिए हमारे लिए, सरदार हम में से वो आपको नहीं मानेंगे, हम में से होना चाहिए कोई सरदार। लिहाजा मालूम हुआ कि अंबिया मौजूद होते थे मगर वो अंबिया की हिदायत पे अमल फिर भी मानते थे उन्हें कि अल्लाह का नबी है, उनका हुक्म नहीं मानते थे, ये तो मानते थे कि अल्लाह का रसूल है मगर हुक्म, जैसे जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम, जैसे जनाबे याहिया अलैहिस्सलाम मानते थे कि अल्लाह के नबी है मगर उनका हुक्म कभी भी नहीं मानते थे। अगर वो अहकाम की सख्ती करते थे तो आरे से छील देते थे नबी को, कत्ल कर देते थे, गर्दन काट देते थे। जनाबे ज़करिया को तो बीच में से छील दिया, जनाबे याहिया का सर कलम कर दिया। ऐसे क्या ना बनी इसराइल ने कि वो जो हम कर रहे हैं कर दे दो, आप बहुत मुकद्दस हो हमारी दुआ करते रहो, लेकिन हमारे मामला में बीच में दखल दिया, दखल अंदाजी की तो फिर हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, अब आप दिल में लाते चले जाइए कि तारीख में फितरत इंसानी किस तरह से काम करती है, सड़कें बदलती हैं, बिल्डिंगें बदलती हैं, इमारतें बदलती हैं, फितरत इंसानी वही कार फरमा रहती है कि हमें अपनी मर्जी से जीने दो, हमें अपना काम कर दो, हमारे मामला में मुदाखलत ना करो, जब हमें दुआ की जरूरत होगी तुम्हारे पास आ जाएंगे झाड़ फूक के लिए, कुरान की हवा दे देना, दुआएं बता देना, खास वो भी सुबह के वक्त की ना हो, कोई ऐसा होता है कि अक्सर लोग आते हैं कोई अच्छा अमल बता दीजिए, अच्छा मुझे भी सिद्ध है मैं जान के वो बताता हूँ दुआ जो फजर के बाद पढ़नी है, उसका मुंह लटक जाता है, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत एक तरफ जो वो लेकर आया, सबसे बड़ी मुश्किलात एक तरफ, लेकिन फौरन कहता है कोई दिन वाली दुआ बता दे, यानी अपनी मुश्किलात के हल के लिए भी उसे सुबह की दो रकात पढ़ना गवारा नहीं। यह है फितरत इंसानी। और कहता मैं कहता भाई यही है मेरे पास, और कुछ नहीं, जो भी दुआ है वो फजर के नमाज उनके बाद वाली दुआ है, इसी बार में तुम बुला के चला जाता है, फिर किसी और के पास जाता है कि फिर को देख के कहीं से काम निकल जाए, तो ले के मामला हल हो जाए। सलवा के लिए मोहम्मद आले मोहम्मद सजदों का वारिस हो जिसके हिस्से में वो मुसल्ला आ जाए, जो वो औलिया के
गिरनी जो अल्लाह का दीन फैला के गए उनके सज्जादा नशीन। तो अगर सजदों का वारिस है तो भाई जब भी सज्जादा नशीन होगा ना, खाली मुसल्ला बदल के दबा के सज्जादा नशीन नहीं हो जाता। तो गद्दी नशीन कब होगा? जब किरदार की हिफाजत करेगा। और फिर लोगों का माल हड़प करने के लिए तो फिर गद्दी नशीन नहीं होता, फिर होता है कुत्ती नशीन। लोगों की कुत्ती पर बैठा हुआ है, गद्दी पर नहीं बैठा हुआ, बल्कि लोगों की कुत्ती पर सवार है। सलवार दे दीजिए मोहम्मद अली समझाया बुझाया कि अल्लाह के रास्ते में
करोड़ों अरबों के हिसाब से आते हैं। और दल कहते हैं मजमे को, लश्कर को या जमीयत को। अक्सर मेरे बच्चों को क्या बड़ों को भी कहते थे ना कि टिड्डी दिल लश्कर आ रहा है, टिड्डी दिल नहीं, टिड्डी दिल तो मेरे बोलते टिड्डी दिल हुआ तो उसे क्या करना है, टिड्डी दल। यानी वो टिड्डियां जब हमला करती है खेतों में, एक ही बार मैंने जिंदगी में देखा है, वो मतलब के अरबों के करोड़ों के हिसाब से हुआ, उसको कहा जाता है टिड्डी दल, कि दल ने हमला किया। खैर वो टिड्डी दल लश्कर जब देखा, अब ये जो थे ऐसे भी कुछ परेशान हो गए, लेकिन जो अल्लाह से मुलाकात के लिए निकले थे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं तब मिन फियतिन कलीलतिन खलबत फियतन कसीरतन बेस्म अल्लाह। डरने की क्या बात है, तारीख में कितनी बार ऐसा हुआ कि अल्लाह ने छोटे छोटे से ग्रोहों को, छोटे छोटे से ग्रोहों को बड़े बड़े लश्करों में फतह दे दी। डरने की क्या बात है, खौफ न होने की क्या बात है, एक दफा नहीं हुआ। कुरान मजीद फरमाता है कम मिन फियतिन कलीलतिन खलबत फियतन कसीरतन बेस्म अल्लाह। कितनी बार ऐसा हुआ कि अल्लाह ने छोटी छोटी जमातों को बड़े बड़े लश्करों में फतह दे दी। अब जिस अंबिया में किसी का अगर एतवाद नहीं, तो आज के दौर में देख लो कितनी छोटी सी जमात हिजबुल्लाह की, कितना छोटा सा लश्कर हिजबुल्लाह का, और कितनी बड़ी ताकत को जिल्लत से दो चार किया। अगर मराठी में ले जाना चाहते तो हाल से तो खबर ले लो कि कम मिन फियतिन कलीलतिन खलबत फियतन कसीरतन बेस्म अल्लाह। कितनी बार ऐसा हुआ कि अल्लाह ने छोटी छोटी जमातों को बड़े बड़े लश्करों में हरा दिया। अगर आज तुम्हारे सामने ना होगा तो शायद शक की गुंजाइश थी, अब कोई शक की गुंजाइश है कि सामना घबराता है वो नहीं घबराते। हजारों लोग जमा हो गए जनाब।
یعنی ہر دور میں یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب قرآن مجید اس مارکے کی انتہا تعلق تجارت کے جب مارکے کا آغاز ہوا تو وہ لوگ جو جناب تعلق کے ساتھ تھے ان کے لبوں پر ایک دعا آئی اور وہ دعا قرآن کی آیت بن گئی. قرآن مجید کی آیت اس دعا کو نقل کیا, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. اے پالنے والے, اے ہمارے رب, ربنا افرغ علینا صبرا. مارکے میں سب سے پہلی دعا کیا کرو, تعلق اس مارکے حق و باطل میں ہمیں صبر نازل فرما, ہم کرو ربنا افرغ علینا صبرا. اگر صبر نہیں ہوا, بے صبرا ہوا, میدان میں ڈٹ نہیں سکتا, مصیبتوں میں جھگڑا جھگڑا کرنا شروع کر دے گا, مصیبتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لہذا پہلی دعا کیا ہے, مالک ہم پر صبر نازل فرما تاکہ ڈٹے رہیں ان مصیبتوں کے مقابلے میں جو ہم پر آ رہی ہیں اور جو ہم پر آنے والی. ربنا اپنی علینا, ایسا صبر نہیں جب میدان چھوڑ کر چلے جائیں, بس سب کی طرف کامنا مالک ایسا صبر کہ ہمیں ثابت قدم رہے. کوشش کر رہا ہے وہ
समझ सकते हैं कि आज की तरह तो कागज बारीक बारीक नहीं होते थे, या छाले थी और या फिर पत्ते बड़े बड़े उनके छाले, दरख्तों के छाले, तो हम उस हिसाब से इसको देख सकते हैं, हाथी की नजर से। लेकिन मौला के सामने ने फरमाया तो मौला फरमाते हैं अगर अल्लाह और उसका रसूल मुझे हुक्म दे, तुमने तो ये कहा ना कि तौरात की शरह का बाद 40 फुट उठाते थे, तौरात की शरह का बाद 40 फुट उठाते थे, अगर अल्लाह और उसका रसूल मुझे अली को हुक्म दे तो मैं अलहम्द की अलिफ की शरह से 40 से ज्यादा उठो का बाद ज्यादा खुशी हो रही है, वो खुशी के लम्हात को कैद
करने वाले मुझे आसमान की सैर करा दे, कभी कहा नहीं कहा। हालांकि हर नबी की फरमाइश है ये दिखा दे, मुर्दे कैसे जिंदा करेगा ये दिखा दे, अपना जलवा ही दिखा दे। ऐसा है कि नहीं? चाहे वो चली बनी इसराइल के कहने पर सही, मगर फरमाइश तो की है ना। और कितने अंबिया ने ऐसी फरमाइशें की, और अल्लाह ने फरमाइशों को पूरा भी किया, लेकिन इस हबीब ने तो कभी भी नहीं कहा। यहां तो बिल्कुल मामला बरक्स है, यहां से थोड़ी कहा जा रहा कि मुझे दिखा आसमानों में क्या है, मुझे दिखा कितने आसमान है, मुझे सिद्रतुल मुंतहा से की मंजिल तक पहुंचा दे। नहीं, यहां तो खुद हबीब को बुलाया गया है, महबूब को बुला रहा है परवरदिगार सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। यहां तो अल्लाह बुला रहा और अपनी तस्बीह और अपनी पाकीज़गी बयान कर रहा है, तो इसलिए कहीं ताज्जुब नहीं रसूल को कि जिसके सामने आलमीन खल्क पाए गए हैं पर उसके पास वो इल्म है कि नहीं है। अगर वो इल्म ना होगा तो कुरान मजीद में दो तीन जगह ये जिक्र ना होता कि जल्दी ना कीजिए, जल्दी ना कीजिए जब तक वही मुकम्मल ना हो। और कुरान मजीद में ये जिक्र ना होता पहुंचाइए वहां तक पहुंच चुका, यानी कुछ है वो पहुंच चुका है, पहुंचाने में मजीद तारीफ ताकीद ना। तो कायनात तो रूह कैसे है रसूल के पास, और जैसे रसूल के पास है अब अगर अली ये कहते नजर आए किसी के सवाल के जवाब में कि सवाल पूरा नहीं होता जवाब आप पहले देते हैं तो क्या फरमाते हैं मौला तेरे हाथ में कितनी उंगली है, कपाट बगैर देखे कैसे बतानी, बगैर देखे कैसे, बगैर सोचे कैसे, ना मौला जरूरत नहीं देखने, बदीहियात है समझते हैं अहले इल्म, बदीहियात है बड़ी इल्म है। तो यहां से सुबह की देखिए रात और दिन की रोशनी में फर्क है ना, सुबह की रोशनी में हाँ भाई सूरज निकल आया तो आपने देखा नहीं कैसे निकला है, जरूरत नहीं देखने की, बदही इल्म है। धुआं बता रहा है क्या, गाड़ी जा रही है ट्रेन जा रही, आवाज बना रही कि जहाज की है आवाज या ट्रेन की आवाज, बदही याद है, ये बदही याद कहलाते हैं। कब तेरे लिए जैसी ये इल्म बदही है कि तू बगैर देखे बगैर सोचे समझे मैंने तुझसे पूछा हाथ में कितनी उंगली है मेरे पास, कब ऐसी पूरी कायनात मेरे सामने है। इसलिए वो सबूर है कि वहां के कहा जाओगे
छत के ऊपर खड़े हुए बगले की नहीं कहते ना जब जापान में सुनामी आए, लेकिन जिंदा बॉम्ब है, एटम बम खा के भी बंदूक से जो चल भारी थी पलक से जीती, तालीम के जरिए से इल्म के जरिए से तो कम से कम अरबों की गैरत और दुनिया से तो काम मेरी जिंदगी में तो मैंने
यानी घर में हो तो सैयदा को दरवाजे पर डाल, अली घर में हो सैयदा के हाथ पर डाल दिया, अली घर में हो जिस दरवाजे को रोकने को कोशिश कर रहे हैं आप उस दरवाजे को आग लगा दी, अली घर में हो सैयदा दरो दीवार के दरमियान
شهید زاکر اهل بیت الله و ناصر